मैं प्रकाश अंबेडकर, वंचित बहुजन अघाड़ी का अध्यक्ष, आपसे बताना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के संगठन से हम लोग ने गठबंधन किया है। औरंगाबाद की सीट जो है वो एमआईएम लड़ रही है और वंचित बहुजन अघाड़ी से चार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े रह रहे हैं। परवनी है, मालेगांव है, मुंबई की एक सीट है और हथकरघनी की एक सीट है। मैं सभी मुस्लिम मतदारों से ये ऐलान करता हूं कि आपके पास कोई भी आए और साथ साथ उलेमा एहतराम भी अगर कहे तो आप उनसे पहला पूछिए कि मुसलमानों की हिफाजत कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस ने किया है क्या और वो अदा क्या करना चाहती है। दूसरा जो है शरीयत का जो कानून है, उस शरीयत के कानून में संशोधन जब हो रहा था तो कांग्रेस की भूमिका क्या थी। मैं यही कहूंगा कि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ये अकेले पार्लियामेंट में लड़ रहे थे, हम लोग की ये कोशिश है कि उनकी ताकत बढ़ाने के लिए कई मुस्लिम उम्मीदवार हम लोग ने खड़े किए हैं और इसी उद्देश्य किए हैं कि शरीयत में जब संशोधन का वक्त आएगा तो उनकी अकेली की आवाज नहीं होगी तो उनके साथ साथ कई और मुसलमानों की आवाज होगी और साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी की भी आवाज होगी। इसलिए सभी मुस्लिम मतदारों से मेरा ऐलान है कि आप किसी के भड़कावे में ना आए, किसी के जोश में ना आए और वंचित बहुजन अघाड़ी और बीजेपी शिवसेना की सीधे सीधे लड़ाई है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है और इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को आप मतदान करेंगे और उनको जिताएंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं।